नमस्कार, मेरा नाम स्नेहलता शुक्ला। बिहार का एक ऐसा वीडियो जो चर्चा में है, जिसमें तेजस्वी यादव चुनावी कैंपेन के बीच लंच कर रहे हैं। लंच में वो मछली खाते दिखाई दे रहे हैं और नवरात्र के मौके पर तेजस्वी के इस वीडियो को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है और फिर आरजेडी बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी वाले समाज में जहर घोल रहे हैं, तो सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की आंधी चल रही है। इन्हीं दावों का साप्ताहिक टेस्ट एबीपी न्यूज ने भी किया। सी वोटर के साथ बिहार पर दूसरा वीकली सर्वे रिलीज हुआ है। बिहार का मूड कितना बदला है, जमीन पर जनता की राय क्या है, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट मछली, मुंगेर और मोदी फैक्टर। कुमार के बारे में क्या सोच रहे? नीतीश कुमार के विषय में तो चोर डकैत सब खड़ा होला है, तब उसको चोर डकैत के दे चाहे ललन सिंह को। चुनाव में तो अबर महागठबंधन का है, महागठबंधन। हाँ 100% यहाँ है, उसी का है। अगर आरजेडी का सरकार रहेगा तो बिहार में जरूर नौकरी मिलेगी। कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अभी इधर नहीं पड़े? ले लिए अब तो, ले ऐसा कहाँ अभी लिए हैं? ले लिए कहे कि हम गारंटी देते। 3 बार तो हो गया सर। बिहार तो बीजेपी के तरफ, बिहार में जातिवाद है ये है तो सब अपना जात ला मरता है, हम भी अपना जात ला मरते हैं। तो मोदी जी तो बड़ा है, यहाँ वैक्सीन दिलवा दिए, कोरोना फिर दिलवा दिए, तो क्या खेत बेच के दिलवा दिए कि जनता के टैक्स से रुपए वापस दिलवाए? आज तक बहुत नेता बने, बहुत आए, बहुत गए, राम मंदिर कोई नहीं लाए। सरकार क्या किया नहीं किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मंदिर जो बन गया इसके लिए ही बार भी मोदी जी जय। जीत चाहिए तो जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए नेताओं का शेड्यूल टाइट है, रैलियों का रेला है, वादों और दावों का शोर है, मुद्दों की भरमार है, विजय श्री की यही दरकार है। एबीपी न्यूज पर आपने यूपी का मूड देखा, लेकिन सर्वे की तो अभी शुरुआत है, क्योंकि चुनाव बहुत बड़ी बात है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। ये लोग खाली वही हिंदू मुसलमान पे आ गए, यानी भाई को भाई से नहीं लड़ाना, यही बात है कि आप तलवार बांट रहे, हम कलम बांटने की बात कर रहे, वो तलवार बांट रहे। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार को लेकर एबीपी का नया सर्वे आया। तेजस्वी की हवा है या नीतीश ही दवा है, जनता मोदी के साथ है या कहीं पेच फंसा है, एबीपी के लिए सी वोटर का सर्वे क्या कहता है? केंद्र सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट, और आप देखें किस तरीके से 47% जो सबसे बड़ा आंकड़ा निकल कर सामने आया है वो बहुत ज्यादा संतुष्ट वाले लोगों का है। 27% कम संतुष्ट बता रहे हैं, असंतुष्ट महज 24% का आंकड़ा सामने आया, पता नहीं कहने वाले 2%। तो ये तो बात हुई केंद्र सरकार के कामकाज से। अब अगला सवाल, और ये अगला सवाल जो है वो राज्य सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ, कि राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट। अब इस पे जो सबसे बड़ा आंकड़ा सामने है वो 39% असंतुष्टों वाला आंकड़ा यहाँ राज्य सरकार के कामकाज के मामले में सबसे बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा संतुष्ट 30% है, कम संतुष्ट 29% है, और इस आंकड़े को अगर जोड़ लिया जाए तो मतलब 59% के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। गौर किया ना आपने, सर्वे में मोदी अव्वल, लेकिन नीतीश के लिए मुश्किलों का पहाड़ है, परेशानी है। मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, भाव तो यही है। मतलब चुनाव सिर पर है और प्रधानमंत्री के सामने चुनौती बड़ी, इसीलिए सवालों का कैनवस भी बड़ा है। नीतीश से नाराजगी के बावजूद जीत कैसे दिलाएंगे मोदी? जेडीयू का वोट कैसे ट्रांसफर कराएंगे मोदी? क्या नीतीश के इमेज को मोदी अपनी गारंटी से छिपा देंगे? नीतीश कमजोर कड़ी, मोदी की कैसे होगी जीत बड़ी?
अब जो बात सर्वे में दिखती है जमीन पर उस तरह की सिचुएशन है भी या नहीं, हमारे संवाददाता श्रीनिवास देश का चप्पा चप्पा घूम रहे हैं, जनता का मन टटोल रहे हैं। इस बार उनके डेस्टिनेशन होंगे नए किरदार आते जा रहे मगर नाटक पुराना चल रहा। जी हाँ, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का ये शेर आज के सियासत पे बिल्कुल फिट बैठता है। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ चलेगी मोदी की गारंटी, दिखेगा मोदी फैक्टर का असर या फिर मुद्दे होंगे कुछ और। बिहार का वही मुंगेर जिसे बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी बनाया, अब वक्त बदला और मुंगेर का मिजाज। मुंगेर लोकसभा सीट से नीतीश के करीबी ललन सिंह उम्मीदवार हैं, बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता उर्फ डॉली लालटेन की लौ में जीत की रोशनी ढूंढ रही, मगर जनता का मूड क्या है? चुनाव में तो अबर महागठबंधन का है। महागठबंधन? हाँ। अरे यहाँ तो नीतीश बाबू के खास ललन बाबू हैं। ललन बाबू क्या किए हैं, क्षेत्र में कोई काम किए हैं? दौरा करते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसके पास कौन सा काम किया? नीतीश जी तो कह रहे थे हम मुख्यमंत्री, जो पलटू चाचा है जो कभी इधर गया कभी उधर गया कभी उधर गया, उसका क्या गारंटी है जी? वो तो एकदम पलटू चाचा हो गया। तो मोदी जी का गारंटी है? मोदी जी की गारंटी, मोदी जी देखिए, अगर आरजेडी का सरकार रहेगा तो बिहार में जरूर नौकरी मिलेगा। क्या कह रहे थे भैया? हाँ, बोल रहे थे कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अभी इधर नहीं पड़े। ले लिए अब तो ले लिए। ऐसा कहाँ अभी लिए है? ले लिए कहे कि हम गारंटी देते हैं। तीन बार तो हो गया सर। गुस्सा नीतीश पर है, ललन सिंह पर है, इसीलिए तेजस्वी को एडवांटेज है। लेकिन मोदी का मीटर क्या कहता है? सीएम नीतीश और पीएम मोदी के काम से बिहार की जनता कितनी मुतमईन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? और यहाँ जरा गौर से देखिए, सबसे बड़ा नंबर 46% असंतुष्टों का। नीतीश के काम से बिहार में 46% लोग असंतुष्ट हैं। बहुत ज्यादा संतुष्ट 26% है और कम संतुष्ट भी 26% है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा इस वक्त इस सवाल के जवाब में ये 46% वाला आंकड़ा है, मतलब असंतुष्ट है लोग मुख्यमंत्री के कामकाज से। और अब अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के कामकाज से आप कितना संतुष्ट, इस सवाल के जवाब में सबसे बड़ा आंकड़ा बहुत संतुष्टों का 58% आपके सामने है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट है, जो विरोधाभास है कि एक तरफ प्रधानमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट, बहुत ज्यादा संतुष्ट, 58% सबसे बड़ा आंकड़ा इस सवाल के जवाब में। और इससे पहले मुख्यमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट, वहां पर जो सबसे बड़ा आंकड़ा सवाल के जवाब में निकल कर आया था वो असंतुष्टों का था। मतलब नीतीश के लिए एक और बुरी खबर, इसी चुनौती से मोदी को पार पाना होगा, क्योंकि मोदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आखिरी वक्त में चुनाव बदलने का मानता रखते हैं। क्या बिहार में भी ऐसा ही होगा? नीतीश के खिलाफ जो माहौल है उसे बीजेपी काउंटर कर सकेगी? हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास की पड़ताल जारी। तो ये बताइए, मतलब तो भूमिहार का रुख किधर जा रहा है? भूमिहार तो बीजेपी के तरफ है। मतलब सिर्फ जात के नाम पे? हाँ। तो काम वाम मुद्दा नहीं है? काम मुद्दा तो है ही, लेकिन यहाँ के एमपी काम करिंदे है ही नहीं। ललन बाबू? हाँ। राजीव रंजन सिंह? हाँ। काम नीतीश कुमार का खास? हाँ, वो काम करने वाला आदमी नहीं है। चंद महीने पहले मोदी की बुराई करने वाले अब गुणगान कर रहे हैं? हाँ, तो हम लोग तो इच्छो नहीं करता है कि ललन सिंह के वोट दे, लेकिन तब भी दीजिएगा। लेकिन लाचारी वोट होगा तो दे रहे। क्यों, ऐसी क्या लाचारी है? अब लाचारी एक तरफ भी तो आप कह रहे हैं कि आप देखना भी नहीं चाहते ललन सिंह को, लेकिन वोट सिर्फ इसलिए देंगे कि भैया बीजेपी को देना है, चूंकि भूमिहार बीजेपी को दे रहा है। हाँ हाँ, बिहार में जातिवाद है ये है, तो सब अपना जात ला मरता है, हम भी अपना जात ला मरते हैं। क्या मिलेगा जात पे मरने से? बिना जात पर मरने से क्या मिलेगा? हम छोड़ के विधानसभा लोकसभा के सदस्य होने जा रहे हैं। ललन बाबू पहचानते हैं आपको? नहीं, वो तो बहुत खराब आदमी है। वही खड़े हैं ना? हाँ खड़ा है, लेकिन की करिए, ओकरे वोट बाद में लाचारी है, मजबूरी में कहे था गलो हूँ अन्य के। चाय की चुस्की पर सियासत के चटकारों का मजा कुछ और ही होता है। कहीं भी चले जाइए, जब चुनाव की बात छिड़ेगी तो लोग अपने अपने कैंडिडेट और पार्टी को जमकर डिफेंड करते हैं। हालांकि इस बार तो मुद्दा सीएम नहीं, पीएम। सर्वे में ये सवाल भी था।
प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे पसंद कर रहे हैं? और इसमें जो विकल्प दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होता है, राहुल गांधी का नाम होता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 69% लोग अपनी मोहर लगाते हुए महज 23% राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, और दोनों नहीं कहने वाले 5% हैं, पता नहीं कहने वाले 3% हैं। बिहार के मूड में मोदी की पॉपुलैरिटी का मीटर बहुत ऊंचा है, तो क्या मुंगेर की जनता भी उन्हीं को पीएम के तौर पर तीसरी बार देखना चाहती है? मुंगेर का मूड क्या कहता है? आज जिस चाय की दुकान पे मैं मौजूद हूँ, तो सोचा क्यों ना चाय वाले से ही बात कर ली जाए। वैसे भी हिंदुस्तान में लगभग पिछले 1.5 दशक से अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो चाय वाले की चर्चा है। समय माहौल आता है वोट देने का, तो लोग का जिनका ज्यादा झुका होता है उन्हीं की तरफ हम भी झुक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई संख्या है नहीं जाति का। मोदी जी तो बड़ा यहाँ वैक्सीन दिलवा दिए, कोरोना फिर दिलवा दिए, तो क्या खेत बेच के दिलवा दिए कि जनता के टैक्स से रुपए से दिलवाए? 5 किलो नजवा दे रहे हैं, तेलवा कहाँ है, गैसवा कहाँ है, तब कितना के हाथ में लिए थे? 301 रुपया दिया था कांग्रेस, आज क्या करके रखे हैं? के रुपया डीजल है, के रुपया तेल है, पेट्रोल है, बताइए आप। मुद्दा रहता है, तो मुद्दा रहेगा ना एकदम भैया, तो आप नहीं रखिए यहाँ, तो जाते पात वाला मुद्दा रहा। नहीं नहीं, जात पात का मुद्दा नहीं, काम के मुद्दा में आइए भैया। चलिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं भैया बहुत नाखुश हैं, कह रहे हैं नोटा कैसे जमचा लहरा रहे हैं। जिस वक्त हमारे संवाददाता श्रीनिवास जनता की नब्ज टटोल रहे थे, एबीपी न्यूज और सी वोटर वाला सर्वे भी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। दोनों को एक साथ दिखाने का मकसद भी यही है, ताकि समीकरण और जमीन की बात एक साथ देखी और समझी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से कितने हफ्ते भर पहले भी हमने सर्वे दिखाया था, अब 7 दिन में क्या कुछ बदला है, कितना बदला है, ये भी जान लेते हैं। आज की तारीख में वोट डाले जाते हैं तो किसके पाले में कितना वोट शेयर जाता हुआ, एनडीए 52%। आप देख रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त बढ़त के साथ एनडीए 52%, 50% से ज्यादा वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 36% वोट शेयर, अन्य के खाते में 12% वोट शेयर आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहां पर फासला बहुत ज्यादा, बढ़त बहुत ज्यादा एनडीए की इंडिया गठबंधन के मुकाबले। और अब जरा एक हफ्ते में कितनी तस्वीर बदली है बिहार की राजनीति की, वो समझिए आप इस आंकड़े से। 1 अप्रैल को जहां एनडीए के खाते में 51% वोट शेयर जा रहा था, उसमें 1% का इजाफा हुआ है, 52% पर इस वक्त यह आंकड़ा पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल उसी के अनुरूप इंडिया गठबंधन में भी, जो 1 अप्रैल को आंकड़ा 35% था, उसमें भी 1% का इजाफा हुआ है और 36% इंडिया गठबंधन का वोट शेयर इस वक्त नजर आ रहा है। यानी 7 दिन के अंदर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों का वोट परसेंट 1-1% बढ़ा है। अब यही तो चुनाव का असली मजा है। कहते हैं चुनाव रातों रात बदल जाया करते हैं, और एक बात तो ये भी मशहूर है कि वोटर जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो दिखाते नहीं। तो क्या मुंगेर में भी ऐसा ही होने वाला है? अच्छा, आपके बिहार में जो इधर हाल फिलहाल में बड़ा उलट पुलट हुआ, इधर से उधर, उधर से इधर, इस पे जनता पे क्या असर है? अरे तो यही हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि देश भर में हो रहा है, जिसको टिकट इधर नहीं मिला वो चला गया उधर। हम वोट करेंगे भाजपा के खिलाफ में। नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार के विषय में तो मजाक के पात्र हो गए। हाँ, सच्चाई यही है। हमारी सोच है कि हमारा कौन जो जनता के सवाल को रोड से, सड़क से लेके संसद तक, विधानसभाओं तक ले जाए, जनता की परेशानियों को। मोदी जी तो कह रहे हैं गारंटी है। नो, कोई गारंटी नहीं मोदी की गारंटी। और कौन गारंटी? हमने देखा है 2014 से लेके 2019 तक की, उनकी कौन सी गारंटी कामयाब हुई? तो आपके हिसाब से क्या है माहौल, जात पे ही वोट पड़ेगा या कुछ और जनता? ये तो तय है, लेकिन इस बार तय, हाँ ये तय है कि जो जहाँ है, कहने का मतलब कि इस बार की लड़ाई कांटे की होगी, और इस पार या उस पार। अपना अपना पार्टी जो है, सच्चाई वाली पार्टी पर उनका वोट दिया जाएगा। सबसे सच्ची पार्टी भारतीय जनता पार्टी? नहीं तो अब कौन पार्टी? हम कैसे कह रहे हैं, अभी देख लेंगे कैसा उम्मीदवार बाढ़ में आ रहा है। तो गए लल्लन बाबू, अब क्या दोबारा आएंगे राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह? वो सब के अभी कुछ नहीं समझेंगे, जब तक के सब उम्मीदवार आ जाएंगे, हमारा मन पसंद जो सच्चाई वाले काम करने वाले रहेंगे, हम उनको वोट देंगे। चुनाव में अगर कैंडिडेट और उसकी पार्टी का नेगेटिव असर साथी पर पड़ने लगे, दिखने लगे, तो फिर इसे अच्छा संकेत तो नहीं माना जा सकता। वैसे जहां तक मुंगेर लोकसभा सीट का सवाल है, तो ये शुरू से ही हॉट सीट रही है। 1964 और 1967 में राम मनोहर लोहिया के अनुयायी समाजवादी नेता मधुली में यहां 2 बार जीते।
2004 में आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव जीती। 2009 और 2019 में जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनाव जीते, जबकि 2014 में एलजेपी की वीणा देवी चुनाव जीती थी। इस बार भी नीतीश और चिराग की पार्टी एनडीए के साथ है, बीजेपी गठबंधन धर्म निभा रही है। मोदी नीतीश को अपने साथ जगह देते भी हैं, मगर जनता हॉट सीट पर किसे बैठाएगी, सवाल ये भी था। ना ना मोदी सरकार देखिए ना रही चुनाव जय श्री राम। नहीं बताऊं तो क्यों जय श्री राम? भगवान के नाम पर वोट जा रहा है, रोजगार के नाम पर नहीं। रोजगार अपने अपने करिए, अपना अपना जो है खाद डीजल महंगा हो गया वो सब होवे करेगा। तो इनकम भी तो बढ़ रहा है ना, महंगाई बढ़ रहा है तो कमाई भी बढ़ रहा है। नौकरी देख रहे हैं कितना टावर टोड़ मिल रहा है। तेजस्वी यादव दे रहे हैं? नहीं, आज तक बहुत नेता बने, बहुत आए बहुत गए, राम मंदिर कोई नहीं लाए। सरकार क्या किया नहीं किया उससे हमको कोई मतलब है। मंदिर जो बन गया इसके लिए इस बार भी मोदी जय जय है। कि आप किसको देख रहे हैं, काहे देख रहे हैं, कारण क्या है? जो विकास करेगा उसी को ना देखेंगे। तो विकास तो इतना कर ही दिया नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार तो यही किया कि बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं? शराब बंद कर दिए, शराबी शराब बंद किए, हर घर में शराब मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है शराब। जंगल राज खत्म हो गया? जंगल राज क्या चीज, जंगल राज खत्म हुआ? शराब बंद कर दिए, 4,500 करोड़ का सलाना आता था, वो 4,500 करोड़ कहाँ चल गया? अभी हम कुछ गांव में गए थे तो बोल रहे थे भूमिहार का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। तो कुछ लोग जय श्री राम भी बोलेगा, कुछ लोग जो है सो रोजी रोटी की भी बात बोलेगा। वो तो हर लोगों की अपनी अपनी समझ, अपने अपने दिमाग है। सर्वे में जो बात खुलकर नहीं आई उसे जनता ने बता दिया। बात सीधी सी है, चाय की गर्मा गर्म चुस्की हो या फिर ठंडे ठंडे सत्तू का स्वाद, जनता जागरूक है और उसे अपनी प्राथमिकता पता है। देख रहे हैं ये बिहार की ठंडाई है सत्तू भैया, सारे प्रेमी बैठे हैं सत्तू पीने वाले। क्या हो, सत्तू पीते हैं? हाँ भैया पीते हैं, पेट ठंडा हो जाता है। हाँ सब कह रहा है कि यहाँ बड़ा गर्म है माहौल, पेट ठंडा हो जाता है। की कह रहा माहौल गर्म है? माहौल कहाँ गर्म है, चुनाव वाला नहीं भैया कोई गर्म नहीं। अनाज कितना पाते हैं जी? अनाज तो आदमी पर 5-5 किलो। 5 किलो? हाँ मौज है। हाँ मौज से एकदम फुल। आप जो मिल रहा है जो तो उतने में संतोष रहेगा भैया। तो ये बताइए तो अनाज के नाम पे वोट दीजिएगा? अनाज के नाम पर देंगे, जो बढ़िया काम करेंगे वो कर देंगे। तो काम अभी कैसा किए लल्लन बाबू? लल्लन बाबू सब देश में बढ़िया काम कर रहे हैं। कम्मा का नाम तो बताइए। नामा कम जी की बताइए, काम नाम नहीं मालूम है। रोजगारी बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। था? तो बढ़िया काम है, तो बढ़िया ना काम है। बिहार में 7 चरण में चुनाव होंगे। 13 मई को 4 और सीटों के अलावा मुंगेर में भी वोटिंग होनी है, यानी अभी महीना भर बाकी है। और इस ग्राउंड रिपोर्ट से बीजेपी हो या फिर दूसरे सियासी दल, सबको थोड़ा अंदाजा तो लग ही गया होगा कि जहां कमजोरी है उसे कैसे दूर करना है और जहां पार्टी मजबूत है उसे संभाले कैसे रखना है। वैसे चुनाव से पहले और चुनाव के बीच भी सियासी दांवपेच यूं ही जारी रहेंगे और इसके साथ ही चुनाव की मेगा कवरेज भी एबीपी न्यूज़ पर लगातार जारी रहेगी।